साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं, और ये करंट अफेयर आपकी यूपी पीसीएस 2023 के अतिरिक्त यूपीएससी और जो एमपी पीसीएस की परीक्षा होनी है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, ये एक संस्था है, कोचिंग संस्था है, टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक, इनके द्वारा जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है उसी करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इस करंट अफेयर को जो है अक्टूबर 2022 से लेकर के 3 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पॉइंट वाइज करंट अफेयर हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि 3 मार्च 2023 को वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस? 3 मार्च को। और इस वर्ष की थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अगला पॉइंट है 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच पश्चिमी असम के कोकराझार बोडोलैंड विश्वविद्यालय में विश्व स्तर पर ज्ञान साझा करने हेतु पहले बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कहां पर? असम में। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 2 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति के एन जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, या ध्यान रखिएगा जब किसी पीठ में 5 न्यायाधीश या 5 से अधिक होते हैं तो वो संविधान पीठ या पूर्ण पीठ कहलाती है। तो संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें। मतलब जो कमेटी होगी उसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शामिल कुल 55 देशों में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या UPLIN का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? लद्दाख में किया गया है। अगला पॉइंट है आपका 28 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने लिथुआनिया गणराज्य के साथ सेमी कंडक्टर चिपों के निर्माण हेतु एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। लिथुआनिया गणराज्य के साथ, ध्यान रखिएगा लिथुआनिया जो है एक बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक कंट्री में 3 देश हैं। आगे चलते हैं, और इसमें कौन से? इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, 3 देश हैं। अगला है 27 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत एवं डेनमार्क की रजत धरोहर शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला, हाल ही में चीन ने $333 मिलियन की लागत से जोंगशिंग 26 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। अगला है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंजारा समुदाय, कौन समुदाय? बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया। अगला, सज्जन जिंदल को वर्ष 2022 का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेश निर्मित जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जिसका नाम है वायुलिंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा वायुलिंक। पूछा जा सकता है वायुलिंक क्या है? 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3600 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है? कर्नाटक में। अगला, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड 2023 में एस राजा मौली निर्देशित फिल्म RR ने 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अगला, 22 से 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में 22वां। आगे चलते हैं, 28 फरवरी को भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला, जम्मू के भद्रवाह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्नो मैराथन का आयोजन किया। अगला, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को पहली बार महिला वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है। अगला है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पुरुष एकल प्रतियोगिता में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास LY कांस्य पदक इन्होंने जीता है या प्राप्त किया है। अगला है, फीफा विश्व कप या फीफा पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी को चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका को
19 रनों से हराकर छठी बार जीत दर्ज की है। तो ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा कर? दक्षिण अफ्रीका ने, और ये छठवीं बार जीता है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की सहायक कंपनी NSE इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने जारी किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी NSE इंडेक्स लिमिटेड ने। अगला है, हाल ही में भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने सुंडा जल डमरू मध्य को पार कर इंडोनेशिया में प्रवेश किया। यह प्रथम अवसर है जब कोई भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया में पहुंची है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, तो यहां सुंडा जल डमरू मध्य के बारे में आप मैपिंग के दृष्टिकोण से भी याद रखिएगा, सुंडा जल डमरू मध्य। तो यहां पे थोड़ा सा यदि हम लोग सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा स्टेट के बारे में बात करें, तो ये इंडोनेशिया के दो आइलैंड सुमात्रा और जावा को अलग करने का कार्य करती तथा हिंद महासागर को जो है जावा सी से जोड़ने का कार्य करती है। आगे चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत सरकार और गुआना आपका अफ्रीकन कंट्री है, के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है। अगला है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म HD3385 को विकसित किया। ध्यान रखिएगा HD3385 क्या है, तो गेहूं की नई प्रजाति है। अगला है, सौराष्ट्र ने फाइनल मैच में बंगाल को 9 विकेट से हरा करके रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज है दीप्ति शर्मा। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण हेतु नीलामी का आयोजन मुंबई में किया गया। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही। इन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके पश्चात एस्ले गार्डनर, नेट साइबरब्रंट, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स का क्रमशः स्थान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा चयनित वर्ष 2022 के पुरुषों की T20 टीम का कप्तान इंग्लैंड के जॉस बटलर को और महिला टीम का कप्तान न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को बनाया गया। पुरुष टीम में भारत के 3 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया, जबकि महिला टीम में भारत की 4 खिलाड़ी स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और ऋचा घोष को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसमों में जोड़ने हेतु 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है या प्रदान की। ध्यान रखिएगा, शिंकुला सुरंग कहाँ पे है? लद्दाख में। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा वर्ष 2025 तक किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए BRO की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1960 में हुई थी। और यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड से जल जन अभियान की शुरुआत की है। कहां से? राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत की साइबर तैयारी को मजबूती प्रदान करने हेतु हैकाथन कवच 2023 आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, हैकाथन कवच 2023 किससे संबंधित है? देश में अवैध खनन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु भारत सरकार ने खनन प्रहरी नामक एप्लीकेशन से एक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मीरा पहल की शुरुआत की गई। तो मीरा, ध्यान रखिए क्या है, तो मीरा का फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। अगला है, बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस किस्टो डो लाइडस को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के शलाल हैमाना क्षेत्र में। भारत सरकार ने मैग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना की घोषणा की। तो मिष्टी योजना मैग्रोव वृक्षारोपण संबंधित है। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित याया तुशो झील को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष पहले 36 जैव विविधता विरासत स्थल थे, अब कितने हो गए? इसको जोड़कर के 37 हो गए। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 जो है उसके तहत किसी राज्य के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के बाग ए बहू में सरस
आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन किया है। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल उपाध्याय योजना संबंधी पहल है। अगला है, 27 से 31 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। 30वीं जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS बागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक यार्ड में फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप की मदद से किया गया है। अगला है, हाल ही में अमेरिका और श्रीलंका के बीच मैरेक्स 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के अशका पुलिस थाने को शीर्ष पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। ध्यान रखिएगा, शीर्ष पुलिस थाना कौन सा चुना गया है? तो अशका पुलिस थाना उड़ीसा का। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई। आगे चलते हैं, अगला है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 तक देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना प्रस्तुत की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? त्रिपुरा सरकार ने। जनवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल में नया स्वदेशी गश्ती जहाज कमला देवी को शामिल किया गया है। तो कमला देवी क्या है? एक स्वदेशी गश्ती जहाज है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों से नए निवेश को आकर्षित करने में अग्रणी राज्य रहा है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। भारत और ब्रिटेन ने 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ इसका समापन किया गया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लगभग 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर की कुल 21 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। अगला है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 19,000 से अधिक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों की सुविधा एवं MOU के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु निवेश सारथी नामक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक, 5वां संस्करण ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के कुल आठ शहरों में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य रजत साथ पहले स्थान पर रहा। ध्यान रखिए, महाराष्ट्र पहले पे रहा है, हरियाणा दूसरे पे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो कुल 36 पदकों के साथ 14वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा के अंतर्गत श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को प्रदान किया गया है। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने सर्वाधिक 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार विवेक अग्निहोत्री निर्देशित द कश्मीर फाइल को प्रदान किया गया। ये देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है, ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है, ठीक है? तो ये दादा साहब पुरस्कार से अलग है। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार SS राजमौली निर्देशित RR को प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं, BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। इन्होंने इस पद पर परमेश्वरन अय्यर का स्थान ग्रहण किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। भारत की महिला क्रिकेटर रेणुका सिंह को ICC इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को हाल ही में नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम आधार मित्र है। AI चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है।
उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ में 13 से 15 फरवरी 2023 तक G20 की बैठक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है और न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की नौरत कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। तो किस लिए किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के परिवार हैं उनकी उन तक सरकारी योजनाओं की सुगमतापूर्वक पहुंच के लिए। अगला है रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला जो कि बरेली में है और प्रयागराज के फूलपुर शहर में इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा उत्तर प्रदेश में अयोध्या वाराणसी और प्रयागराज में विराम लेगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में स्थित रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को हाल ही में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4वां बाघ रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वीमेंस प्रीमियर लीग की यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिसा हेली को अपना कप्तान नियुक्त किया है। राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आगे बात करते हैं, भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमापार लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित पेंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई और जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया। जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का 4वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो एक्स धर्म गार्जियन किसके मध्य में, भारत और जापान के मध्य में। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अभी उसके पहले नामीबिया से जो है चीते लाए गए थे भारत में और कहाँ रखे गए, मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है, हाल ही में भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। 6 से 8 फरवरी 2023 तक चलने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया। हाल ही में स्काई एयर कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गैरी बैलेंस इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बने हैं। गैरी बैलेंस, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को बढ़ा करके 6.5% कर दिया है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप में राहत कार्य संबंधी भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। आगे बात करते हैं, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरन फिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय सिविल बॉडी बन गया, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। हाल ही में BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप को चयनित किया है महिला प्रीमियर लीग के लिए। हाल ही में युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य से सशक्त करने और
देश का मजबूत भविष्य निर्मित करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भागीदारी की है। उत्तराखंड के टिहरी में कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की गई है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मार्च 2023 तक मेघालय के शिलांग में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? मेघालय के शिलांग में। अगला है, ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आधिकारिक तौर रूप से नोडल मंत्रालय बनाया गया है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में अपने तीसरे 450 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट के चालू होने के साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर कंपनी बन गई है। पवन सौर 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती मनाएगी। हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी के लिए परिवहन चुनौती के दूसरे चरण और नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहर स्थलों का चयन किया गया है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मोपा शहर में मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। ध्यातव्य है कि लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में पहले से ही कमिश्नरी प्रणाली लागू थी। तो ध्यान रखिएगा, पहले से कहाँ लागू थी? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर, चार में पहले से लागू थी, तीन में और लागू हो गई, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। तो कुल कितने हो गए? 7 हो गए। 7 संख्या जरूर याद रखिएगा और शहरों के नाम भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में किया गया। अगला, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रखी है। हाल ही में CII और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पराली जलाने को कम करने के लिए पंजाब के संगरूर में प्रोजेक्ट वायु अमृत को लॉन्च किया। वायु अमृत क्या है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षा में 25% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दी। कितनी? 25%। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा देहरादून में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में चालू किया गया और यातायात के लिए खोल दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अवैध शराब, नशीली दवाओं के व्यापार की जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में PPP मॉडल पर राज्य का पहला महिला महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम परिवर्तित करके भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया है। और कलाशा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के बाद कर्नाटक और गोवा में नदी विवाद बढ़ गया है। तो इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।